पवन तुम्हें मंद मंद आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करेगा। पपीहा का मधुर नाद और मादा बगलों की पत्नी तुम्हारा स्वागत करेगी। तुम्हारी गर्जना को सुन मान सरोवर के राजहंस कैलाश तक तुम्हारे सहयात्री बनेंगे। रामगिरी पर्वत जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरण स्पर्श प्राप्त है, तुम उसे आलिंगन पर कर उसे विदा लेकर यहाँ से प्रस्थान करो। वीर का पराक्रम देख स्त्रियां चकित होती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे इस कार्य को देख कि वायु पर्वत शिखर को उड़ाए जा रहा है, सिद्धों की स्त्रियां चकित और उत्साहित होंगी, जिससे तुम्हारा उत्साह और भी बढ़ेगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण के श्यामल वर्ण की शोभा मयूर पंख से बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार रत्न ज्योति की भांति इंद्र के धनुष का टुकड़ा गगन में प्रकट हो तुम्हारे श्यामल वर्ण की शोभा बढ़ा देगा। खेती का फसल तुम्हारे अधीन है, ऐसा सोचकर विभिन्न वर्गों की स्त्रियों की प्रशंसनीय नजरों को जब तुम अपनी ओर देखोगे, तब उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उन स्थलों को हल चलाने योग्य सुगंधित कर देना।
प्रकार क्षुद्र दरिद्र व्यक्ति मित्र के आने पर उसके उपकारों को याद कर उसका स्वागत करता है, ठीक इसी भांति वनों की अग्नि को अपनी मूसलधार वर्षा से शांत करते हुए जब तुम आगे बढ़ोगे तब अम्रकूट पर्वत तुम्हारे उस उपकार को याद कर तुम्हारा स्वागत करेगा। पके फलों से लदे आम वृक्षों के मध्य अम्रकूट पर्वत के ऊंचे शिखर तुम्हें अपने आगोश में लेकर तुम्हें विश्राम प्रदान करेगा। जिस प्रकार वनवासिनी आम्र कुंजों में विश्राम कर उनका उपयोग करती है, इसी प्रकार तुम भी वहां थोड़ी देर ठहर कर वर्षा करना और फिर विंध्याचल पर्वत की ओर बढ़ना, जहां तुम्हें नर्मदा नदी की प्राकृतिक सुंदरता दिखेगी। नर्मदा नदी के जल को तुम अवश्य प्राप्त करना, अन्यथा वायु तुम्हें कहीं भी उड़ा ले जाएगा। वनों के पुष्पित पुष्प खिलने को व्याकुल कलियां और पृथ्वी की सुभाषित सुगंध तुम्हारा मार्ग निश्चित और प्रशस्त करेगी। तुम्हें अपने समीप पाकर तुम्हारे आसपास के प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो उठेंगे। अतः उस सुंदरता में कुछ दिवस तक विश्राम करके पुष्प संग्रहित करने वाली स्त्रियों के मुरझाए चेहरों को अपनी छाया प्रदान कर आगे बढ़ना। उत्तर दिशा के टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर तुम उज्जैन नगरी की अटारियों से अवश्य मिलना। उस नगरी के स्त्री सौंदर्य को देखे बिना तुम्हारा जीवन सार्थक होगा ही नहीं।
गर्दनी खनखनाती हुई अपने विभिन्न हाव भाव का प्रदर्शन करती है, जिसका आनंद तुम अवश्य उठाना। समृद्ध और संपत्तिशालिनी उस नगरी के पुष्पों का स्पर्श भी तुम करना। सारसों के तीव्र गुंजन और कमल पुष्पों की सुगंध को समेटने वाली शिप्रा नदी का जल तुम स्वयं में अवश्य भरना। इससे तुम्हारी थकान मिटेगी। उस नगरी के महलों और हवेलियों की शोभा निहारते हुए तुम अपने परिश्रम को दूर करने हेतु वहां अवश्य ठहर कर विश्राम करना। गंधवती नदी से सुगंधित हवाओं से युक्त उस उपवन में तुम अवश्य जाना, जहां शिवजी का महाकाल मंदिर है। संध्याकालीन पूजा आरती में नगाड़े की भांति अपनी गर्जना अवश्य करना, ताकि तुम्हें संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो। तांडव नृत्य करने वाले शिवजी के गले में तुम स्वयं गज चर्म का स्थान लेकर उनके प्रति अपनी भक्ति भावना अवश्य प्रकट करना। किसी अटारी पर रात व्यतीत कर प्रातः काल पुनः आगे की ओर प्रस्थान करना, परंतु सूर्य मार्ग में बाधक मत बनना। सूर्य स्वयं कहीं रात्रि और व्यतीत कर कमल पुष्पों से ओस बूंदों को दूर करने आया है। ऐसे में तुम्हारे द्वारा अपने किरणों को रोके जाने पर वह क्रोधित हो जाएगा। Thank you.
यमुना नदी के स्वच्छ शीतल जल में प्रतिबिंब सही जब तुम प्रवेश करोगे, तब उसके चंचल सौंदर्य को तुम संयम से आनंद लेना। उसके नीले सौंदर्य को प्राप्त कर तुम देवगिरी की ओर प्रस्थान करना। तुम्हारी वर्षा से सुसज्जित पृथ्वी की सुगंध समेटकर शीतल पवन तुम्हारे संग संग चलेगा, ताकि तुम्हें अपनी यात्रा में कष्ट न हो। वह देवगिरी पहुँचने तक तुम्हारी सेवा करेगा।